जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट मेहरान हमारी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है ये वाला एपिसोड बनाने में। उसकी वजह ये थी कि छोटे छोटे काम थे जो मैं कवर कर रहा था, और मेरा इरादा ये था कि सारे काम मैं कवर करके तो एक फ़ाइनल वीडियो बनाऊं, और उसके बाद मैं रिव्यू बनाऊं, और एक वीडियो मैं गाड़ी के फाउंडेशंस पे बनाऊं। हमसे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप फाउंडेशंस के बारे में बताएं कि जो आपने जेन्युइन फाउंडेशंस पे बोल्ट ऑन फिटिंग की है उसके बारे में, और इसके अलावा प्राइस जो टोटल कॉस्ट है गाड़ी पे वो कितनी आई है उसकी मैंने एक वीडियो बनानी है इंशाल्लाह एंड में। तो लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहे, छोटे छोटे काम हैं काफ़ी सारे करने वाले, तो इसलिए मैंने सोचा चलें ठीक है वीडियो जितना काम हो चुका है तो उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी में हमने ये किया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैंने आपसे कहा था कि हम जो नॉर्मल मेहरान है उससे थोड़ा हट के बनाएंगे। तो हमने पहला काम ये किया कि जो डोर ट्रिम्स थे, जो नॉर्मल गत्ते आते हैं मेहरान के, तो वो उससे हट के हमने प्लास्टिक फाइबर के जो डोर ट्रिम्स हैं आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं मार्केट में इन हैं, तो हमने वो इंस्टॉल किए हैं। और इसके अलावा हमने किया ये कि जो कलर है हमने इंटीरियर का वो हमने सेलेक्ट किया है और ब्लैकिश कलर। तो उसका जो डैशबोर्ड था मेहरान का हमने वो नया लिया, वो फिर हमने उसको स्प्रे किया उस कलर में और वो इंस्टॉल हुआ। इसके अलावा हमने जो सीट्स थे वो चेंज किए, हमारे जो पुराने सीट्स थे वो गाड़ी क्योंकि एक्सीडेंट हुई थी तो उस वजह से काफ़ी वो टेढ़े हो गए थे, तो हमने वो चेंज किए। और जो नीचे रैगजीन है वो हमने चेंज की। और अच्छा जी, तो जो हमने दूसरा मेजर काम था गाड़ी का वो ये किया कि हमने टायर्स चेंज किए, हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं जीटी के टायर्स, और साइज़ हमने इसका 12 ही रखा है जो मेहरान में मेरे ख़्याल में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा होता है 13 का भी इंस्टॉल हो सकता है और 14 का भी हो सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गाड़ी स्मूथ रहे, तो हमने वो इंस्टॉल किए। इसके अलावा जो रिम्स थे तो वो हमने प्लान ये किया कि जो इसके अपने रिम्स थे इसमें पहले से आए हुए थे हमारे पास, तो हमने उन्हीं को रिस्टोर किया, पॉलिश करवाया, तो वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला, तो वो हमने वही रखे। और इसके अलावा उसके बाद अलाइनमेंट हुई गाड़ी की, काफ़ी आउट थी तो हमने अलाइनमेंट की, और उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव ली थी जो मैंने आपसे शेयर की थी लास्ट टाइम। तो उसके बाद हमने फिर जो छोटे मोटे डेकोरेशन का काम था हमने वो किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को भी लाइक करें और आगे शेयर करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं गाड़ी का हम मीटर लगवा रहे हैं, और क्योंकि वो हमने अभी तक नहीं लगाया तो वो लगवा रहे हैं। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में शॉक्स चेंज करूँ, तो गाड़ी को थोड़ा सा ड्रॉप किया जाए। इसके अपने शॉक्स बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मेहरान के थोड़े से शॉक्स थोड़े से हार्ड होते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। तो हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
तो फाइनली डैशबोर्ड हमारा रेडी हो गया था और मैं आपको दिखा देता हूँ। टायर्स हमने ये सेलेक्ट किए हैं और 12 साइज है इसका जीटी रेडियल का। अच्छा जी, तो रिम्स हमने यही रखने हैं, इन्हीं को पॉलिश करना है, रिस्टोर करना है जी। तो हमने ऑलमोस्ट कुछ काम तो कंप्लीट कर लिया है, इंटीरियर का भी, और गाड़ी की सीटें लग गई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। जो डोर ट्रिम्स थे वो इंस्टॉल कर दिए हैं हमने, और इसके अलावा जो हमारे रिम थे वो हमने दिए हैं पॉलिश करवाने के लिए, और टायर्स हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे, वो भी हमने फाइनल कर लिए हैं। और बस ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अब इतना काम नहीं है गाड़ी में, छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इसके जो रेयर व्हील्स हैं इसके व्हील सिलेंडर्स चेंज कर रहे हैं, और ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। ये जी हमारी पानी के बोतल की तार लग गई, और ये क्लिप लग गए हैं, बोनट का जो स्टैंड है वो लगा दिए हैं। इसके अलावा हमने जो इसका फिल्टर है एग्जॉस्ट वो फिट कर दिया। इसके पैर टूट गए थे लेकिन कुछ कोशिश करके हमने जुगाड़ लगा के उसको सेट कर दिया, काफ़ी बेहतरीन लग गया। अच्छा जी, तो जो हैंड ब्रेक थी वो काम नहीं कर रही थी, तो वो हमने चेंज करनी है। ये इसकी पुरानी हैंड ब्रेक है, टूट गई थी, और इसके अलावा हमने जो ब्रेक पैड्स हैं, व्हील सिलेंडर है, वो हमने चेंज कर दिया है बैक साइड के व्हील्स में।
अच्छा जी, तो हम आए हैं टायर्स चेंज करने। जो हमने रिम्स दिए थे पॉलिश करवाने, वो रेडी हो चुके हैं और जीटी के टायर्स डाल रहे हैं हम इसमें, रेडियल वाले। गाड़ी हम अलाइनमेंट के लिए लेकर आए हैं और टायर्स चेंज हो गए हमारे, तो अभी इसकी अलाइनमेंट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की डेकोरेशन करवाने। अलाइनमेंट हो गई है, टायर्स चेंज हो गए हैं।